गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज प्रियंका अरोड़ा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ डिफरेंट। अभी तक आपको काफी कुछ बताया, पजल्स होगी, ब्रेन के बारे में आपको काफी कुछ मैंने बताया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक के कुछ शॉर्ट से ट्रिक्स, जिसमें क्या होगा कि आपका माइंड थोड़ा सा और रिफ्रेश होगा। मतलब आपके थोड़ा सा माइंड में क्या होगा, देखो सब कुछ क्या रहता है मैथमेटिक्स में, इट्स ऑल एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए फॉर व्हाट वी वांट टाइम, वही तो हमारे पास है नहीं। थिंक इज दैट कि टाइम ही तो नहीं है हमारे पास कि हम कैलकुलेशन कैसे करें। तो बेटर है कि फॉलो द शॉर्ट ट्रिक्स। ऑब्वियस आजकल हर कोई क्या करता है, जब भी हम कोई कुछ भी करने जाते हैं हमें होता है कोई शॉर्टकट रास्ता है तो बताओ यार, बड़े इतना लंबा रास्ता हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, कोई छोटा सा रास्ता बताओ। हम फोन यूज करने में टाइम लगा सकते हैं, हम बाकी काम करने में, मतलब फोन वगैरह चाहे सारा दिन बैठ के गेम्स खेल लें उसके लिए टाइम है, लेकिन अगर हमारे पास कोई वैल्यूएबल थिंग्स आती है ना, फॉर दैट वी डोंट हैव टाइम। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने क्या किया है, मैथमेटिक्स की भी शॉर्ट ट्रिक्स बना दी है कि अगर आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम भी कई बार क्या होता है कि हमारा इतना लंबा हो जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि वाइल डूइंग द कैलकुलेशन, तो उसको कैलकुलेशन को खत्म करने के लिए या फिर उस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए व्हाट वी हैव डन, वी यूज द शॉर्ट ट्रिक्स इन मैथमेटिक्स। सो लेट्स बिगिन विद द शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर है, 23, 24, 25, 78, 79, 42, 52, व्हाटएवर यू हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अब क्वेश्चन रेज हुआ, ठीक है स्क्वायर ही करना है तो उसमें क्या है, हम कर देंगे। अगर आप हमें क्वेश्चन बोलोगे 44, तो हम 44 को 44 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हम निकाल देंगे। क्या कितना टाइम लगाओगे उस पर? ऑब्वियस है, 2 मिनट्स तो वेस्ट होंगे उस टाइम पे। ठीक है, कि आप 44 को 44 के साथ करने जाओगे, अगर हम पुराने टाइम की जैसे हम पहले करते थे, हम क्या करते हैं 44 को यहाँ लिखते हैं, 44 को यहाँ लिखते हैं, फिर हम इस टाइप से क्या कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं, फिर हम उसके स्टेप्स जब बच जाते हैं फिर हम उनको ऐड कर देते हैं। ये तो लॉन्ग मेथड है, सभी को आता है, कर लोगे खुद में, लेकिन मुझे तो शॉर्ट मेथड चाहिए ना। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, जब भी आपको जरूरत पड़ी यू हैव टू डू दिस मेथड। लेकिन आई वांट कि आपको मैं शॉर्टकट मेथड बताऊं कि जिससे आपको करना थोड़ा सा इजी हो जाए। अब वो शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है 44 को कैलकुलेट करने के लिए, 44 का स्क्वायर निकालने है, कोई आइडिया, एनी आइडिया? हमें इसमें इतना पता है कि अगर हमें कोई 44 का स्क्वायर पूछ ले, हम 4 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, दैट इज इजी फॉर अस, दैट इज 16। अगेन इसका स्क्वायर आ गया 16, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, इतना तो हमसे निकल ही जाएगा। 4 का कैसे हम निकाल सकते हैं कि 4 का स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर अगेन इज 16। ये इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 1। नाउ वी हैव टू फॉलो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बनेगा हमारा, 4 अगेन मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, हमने 44 का स्क्वायर करना है, तो 4 का कितना बन गया 16। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर, दैट वन इज 32। अब 32 को मैंने स्टेप नंबर 2 पे लिख दिया, मुझे इसके साथ इसको ऐड करना है। ठीक है, अगर मैं चाहती तो ये 32 इसके नीचे भी लिख सकती थी। ये मेथड है, ये रूल है, आपको हमेशा याद रखना है कि हमें हमेशा एक यूनिट को स्किप करके या एक यूनिट को छोड़ के नेक्स्ट यूनिट से हमने अपने डिजिट्स को स्टार्ट करना है, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर हो चाहे वो 4 डिजिट का नंबर हो, हमें एक डिजिट को स्किप कर देना है। नाउ वी हैव टू डू एडिशन ओवर हियर, सिंपल 6, उसके बाद 2 और 3, 6, 7, 8, 9 एंड 1, 9, 3, 6 आंसर आपके सामने है। ठीक है, आगे 44 को करने के 2 सिंपल से स्टेप है, दैट इज इजी स्टेप। आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि क्या ये आंसर सही है या गलत है। अगर फिर भी ये स्टेप नहीं समझ आए, अगेन हम दोबारा से करके देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई रैंडम नंबर ही लेना, हमारे माइंड में कोई भी रैंडम नंबर होना चाहिए। हम लेते हैं 96 का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए 96 का स्क्वायर, क्या करूं, 96 का स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल सी बात है, 6 6 जा 36। ठीक है, उसके बाद 9 9 जा 81, ये मेरा क्या बन गया स्टेप नंबर 1। अब नाउ आई हैव टू डू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 मेरा कैसे होगा, सिंपल सी बात है, 9 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 6 जा 54 आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो उसका आंसर आ जाएगा 108।
अपन ने इसको ऐड कर दे सिंपल 6, उसके बाद 8 और 3 आंसर मैं निकाल रही हूँ, वेरिफिकेशन करना आपका काम है, ठीक है? आप खुद भी बता सकते हो या मेरे निकालने से पहले पहले आप भी आंसर को कमेंट में लिख सकते हो। अगर आप उस टाइम निकाल रहे हो मेरे साथ साथ ट्रिक लगा के, तो आप भी आंसर लिख सकते हो। आंसर कमेंट में लिखने से याद आया, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, लाइक 56। अब ये वाला आंसर आप हमें कमेंट में लिख के दोगे, अब इसको यही सेम मेथड फॉलो करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ द 56, द स्क्वायर ऑफ द 56। सर इसका लिख सकती हूँ, निखिल आप इससे क्या कर सकते हो वेरीफाई कि जो मैं शॉर्ट ट्रिक आप लगाओगे तो क्या वो आंसर इतना आ रहा है? अगर आ रहा है यस और नो कमेंट में लिख कर दो, यहाँ पर या आप ये वेरीफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे तो आपने वेरीफिकेशन करा आंसर्स को, ठीक है? हमने कैलकुलेटर के साथ आंसर वेरीफाई करे क्या वो सही है या गलत है। यहाँ पे आप ट्रिक्स यहाँ पे आप ट्रिक वेरीफाई कर सकते हो कि क्या जो ट्रिक आपको सिखाई गई है क्या ये ट्रिक अब आपके हर किसी पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। आंसर मैंने लिख दिया है कि 56 का जो स्केयर आप जब करोगे दैट इज आंसर इज 3136। अब इस चीज को करने का क्या मेथड होगा वो आप करोगे इस ट्रिक के साथ और फिर आप उसको वेरीफाई करोगे क्या आंसर सही है या गलत है, ठीक है जी? ये स्केयर का ट्रिक हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हमें सभी के ऐसे ही करना है, तो मैंने 44, 96, 56 या कोई भी आपने रैंडम डिजिट लिया हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कुछ थोड़ा सा स्टेप और घटाया जाए तो उसका भी हो सकता है। वो कैसे? अब वो सब कैसे कम होगा? अब देखो अब तक था कि स्केयर ऑफ एनी नंबर, अब मैंने क्या किया उसमें से आपको बोला कि वो अगर वो स्टेप्स आपको लगे कि वो ज्यादा है कि स्टेप वन है उसमें स्टेप टू है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम उन स्टेप्स को ओवरकम करना चाहते हैं, तो अगर आप उन स्टेप्स को भी ओवरकम करना चाहते हो कई कैलकुलेशन में दैट कैन यू आंसर। वो कैसे? आप स्केयर निकाल सकते हो द नंबर एंड विद द 5। अब अगर आप सपोज करो रैंडम कैलकुलेशंस कर रहे हो किसी भी डिजिट की, अगर आपको वहां पे आ जाए लाइक वहां पे आपको कुछ भी आ जाए लाइक 25, अब आपने इसका स्केयर निकाला है, स्टेप तो आप फॉलो कर ही रहे हो, स्टेप वन स्टेप टू कर रहे हो। अगर मैं बोलू नहीं ये स्टेप थोड़ा सा आप ओवरकम कैसे कर सकते हो इस चीज को, 5 का आपको पता है 5 का आंसर क्या है 25, 5 का पता आपको स्केयर दैट इज 25। अब मुझे 2, अब आगे जो इसके आगे क्या आएगा 2 के नेक्स्ट डिजिट क्या, 2 के बाद क्या 3 आता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ 2, 3 सा, क्लियर हुआ? क्या ये आंसर वाकई सही है? ये आप वेरीफाई कर सकते हो अपने कैलकुलेटर में कि क्या ये आंसर ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी डिजिट लाइक 95, अब मुझे 95 का स्केयर चाहिए, फाइंड द स्केयर ऑफ द 95, देन व्हाट यू विल डू ओवर हियर, सिंपल 5 का स्केयर निकालो दैट इज 25। अब 9 का स्केयर कैसे होगा, 9 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है हमारे पास 10, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 90, आंसर इज 9025। हो गया सिंपल, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज होगी। सो क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 के। अभी तक हमने क्या किया, नंबर है एंड विद 5 वाला अभी हम कर रहे थे सारा, अब भी नंबर एंड विद 5 वाला ही करेंगे। निखिल अभी तक 2 यूनिट वाले थे, अब हम 3 यूनिट वाले ले लेते हैं या 3 डिजिट वाले ले लेते हैं, ठीक है? 3 डिजिट वाले का अगर हम बोले कि मुझे इसका स्केयर चाहिए, क्योंकि इसका तो हो गया स्केयर, इसका भी हो गया स्केयर, निकल आई वांट द स्केयर ऑफ 145, देन व्हाट यू विल डू ओवर हियर, सिंपल 5 का आप क्या करोगे दैट इज 25। अब नेक्स्ट क्या रह गया आपके पास 14 को क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर आपके सामने है स्क्रीन पे 210225। आप ये चीज भी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो या अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो कि क्या आंसर सही आ रहे हैं या गलत है, क्या ये ट्रिक सही है। ट्रिक आपके सामने बिल्कुल सिंपल सी है, अगर आपको कोई बोल दे कि फाइंड द स्क्वायर एंड विद द नंबर 5, आपको उसका स्क्वायर निकालना सबसे ज्यादा इजी है। इजी कैसे है, यू हैव टू डू क्या करना है, आपने 95 लिया या कोई भी आपके पास डिजिट है कोई भी आपको उन्होंने दिया हुआ है, जो एंड वाला नंबर है उसका तो हमें पता है एंड में अगर 5 है तो उसका आंसर 25 ही होगा लास्ट में, ऑब्वियस है। अब जो रह गया उससे पहले वाला डिजिट, उससे जो पहले जितना भी डिजिट होगा उसमें 1 प्लस करना है, अगर आपका 2 है तो उसमें 1 प्लस करोगे तो 3 है, अगर 4 है उसमें 1 प्लस करोगे तो 5 है, और अगर 5 है उसमें 1 प्लस करोगे तो 6 है 5, और क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा जैसे 5, 6 से आप कर सकते हो 30 है तो 30 आगे आ जाएगा, 25 पीछे आ जाएगा, इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो आंसर,
ठीक है, तो यहाँ से ये है किसका कुछ पता चल रहा है? 3022 25 मैंने आंसर तो निकाल दिया, बट ये आंसर आया किसका है? यहाँ पे फर्स्ट डिजिट मेरा 5 है और लास्ट वाला ऑब्वियस है वो भी 5 ही होगा, क्योंकि 5 का ही मैं स्क्वायर 25 और जो आगे 5 था उसको मैंने क्या किया 5 × 6 डेट इज आल्सो कि नंबर, मतलब पहली ट्रिक क्या थी स्क्वायर ऑफ एनीना, मेरा 5 वाला कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं कोई रैंडम डिजिट है हमारे पास लाइक 43 है 48 है और 53 है 51 है और कुछ भी, मतलब ये नंबर आपको देखने में क्या लगता कि ये जो नंबर है आपके कुछ भी और भी ले सकते हैं, 52 ले लेते हैं सपोज और 44 ले ले, ठीक है, तो ये नंबर देखने में कैसे लग रहे हैं? नंबर तो देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आंसर में क्या हो सकता है इसमें कि ये नंबर, ये दीज आर ऑल आर जस्ट नियर अबाउट 50, कुछ ऐसा दिख रहा है? नियर अबाउट किसके नियर अबाउट है ये 50। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि जो 50 के आसपास वाले नंबर होते हैं उनकी ट्रिक्स कैसे बन सकती है, नंबर देख के क्या पता, अभी बताया कि ये 50 के आस, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने का क्या तरीका होगा? लाइक अगर मैं बोलूं 43 है मेरे पास, अब पहले हमने क्या करना है अपने माइंड में एक नंबर सेट कर, हम अपने माइंड में फर्स्टली वी हैव टू फिट द नंबर और वो नंबर है 25। इस नंबर को फिट कर, जब हमने कैलकुलेशन ऐसी करनी होती है कि जो नंबर आसपास हैं या नियर अबाउट 50 के हैं उसके लिए वी हैव टू फिट वन नंबर दैट इज कॉल्ड एज 25, हमने इसको फिट कर। अब हमने क्या करना 43 को, अब इतना सोचो कैलकुलेशन के टाइम पे कि 43 50 से कितना कम, 7 डिजिट कम है। अब हम क्या कर सकते, 25 हमारे माइंड में सेट, 25 में से आपने 7 को माइनस करना है, पहली बात तो ये करना है कि 25 में से 7 को माइनस करना है, फिर 7 को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आया 49। 7 को अगर मैं दो बार मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर है 49 और 25 में से अगर मैं 7 निकाल दूँ तो मेरा आंसर है 80। तो देख क्या रहे हो, आंसर आपके सामने, मैंने तो सिंपल कैलकुलेशन करी कि मल्टीप्लाई कर दिया और हमने यहाँ पे एड ऑन कर दिया, निकला आंसर, तो आपके सामने आ गया आंसर, दिस इज योर आंसर कि अगर कोई नंबर नियर अबाउट 50 के आसपास है तो हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि उसमें माइनस करेंगे कि कितने कितना गैप आ, अब हमें गैप कितना मिल रहा है 7 का, सब्ट्रैक्ट किया आंसर इज 7 कि 50 में से अगर हम 43 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर इज 7, तो उस 7 को हमने क्या किया 25 में से माइनस किया तो आंसर इज 18, आंसर 18 आ गया मेरे यहाँ पे, ठीक है, और आंसर 18 है और उसके अलावा जो 7 है ये मेरा मेन है तो इसको मैं दोबारा से दो बार मल्टीप्लाई करूंगी, 7 का स्केयर निकालेंगे लास्ट पे वो आ जाएगा और उससे पहले क्या आ जाएगा जो हमने यहाँ पे 25 में से माइनस किया, दैट्स योर आंसर। ये होता है ट्रिक्स, ये हम ट्रिक्स क्यों फॉलो करते हैं, फॉर टू सेव द टाइम वी हैव टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ द शॉर्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट आपके सामने ही है, दैट इज 48। अब 48 का कैसे कैलकुलेशन होगी, सिंपल सी ट्रिक है, 8 है, अब पहले तो हमने ये देखना कि 50 में से हमने 48 को माइनस किया तो आंसर कितना आया, आंसर इज 2, आंसर 2 आ गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर इज 4, 25 में से 2 को माइनस किया तो आंसर इज 20, इजी, बट एक चीज गलत है, ये गलत क्या है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना माइंड में, अगर आंसर कैसे गलत हुआ, जब आप ऐसे करते हो कैलकुलेशन 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर इज 49, दैट इज ओके 49 आपको एज सच आपने लिख दिया चल जाएगा, लेकिन आपने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर इज 4, वो जो ये है क्या एक यूनिट है, एक यूनिट कभी भी ऐसे नहीं लिखना, चाहे आप स्केयर पे काम करते हो स्केयर वाले टाइम पे भी ये चीज ध्यान में रखनी है आपने कि जब आप मतलब जो मैंने आपको पहले रैंडम वाला स्केयर वाला करवाया है तो उसमें भी ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आपने लास्ट वाले डिजिट का स्केयर करना है और स्केयर आपके सामने आ रहा है कि जैसे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर इज 4, तो आपने 4 को नहीं लिखना, आपने हमेशा उसके आगे 0, हमेशा उसको 2 डिजिट में ही लिखना, सिंगल डिजिट वाला काम नहीं करेगा, सिंगल डिजिट वाला गलत हो जाएगा, आंसर जब आपने लिखना है व्हाइल राइटिंग द आंसर हमेशा ये ट्रिक को फॉलो करते हुए साथ, अगर यहाँ पे आपके सामने सिंगल डिजिट आ रहा है तो यू हैव टू राइट अ 0 इन फ्रंट ऑफ दिस, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला हमारा आंसर क्या आया 25 में से जो 2 माइनस हुआ दैट इज 23, उसको हमने ऐसे बस इसमें 0 का ध्यान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे दैट इज 53, तो अब 53 का भी करना है लेकिन इसमें तो प्लस हो रहा है ना,
इसमें माइनस तो नहीं हो रहा, अभी तक हमने क्या किया, माइनस किया, ये माइनस में था, ये माइनस में था, सेवन जो आया था सेवन माइनस में था, सब्ट्रैक्शन में था, लेकिन ये एडिशन में है। अब इसको कैसे करो, सिंपल 53 को करने के टाइम पे हमें पता है कि ये इसमें 3 ऐड हो रहा है, ठीक है, तो 3 ऐड कैसे होगा, 53 यानी कि 50 में प्लस अगर 3 करेंगे तो आंसर इज 53, तो 3 मेरा ऐड है, तो सिमिलरली हम 25 में भी 3 ऐड ऑन कर देंगे, 26 27 28, आंसर इज 28। अब वो जो 3 है उसी 3 का ही हम क्या करेंगे, आंसर इज 9 स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये ऐसे करने के बाद अब हमने क्या करना है, एक आंसर मेरा आया है 9 तो उसका मैं आंसर लिखूंगी 09, और दूसरा आंसर मेरे पास आया 25 को जब मैंने 3 ऐड ऑन किया 280। 53 का क्या ये स्क्वायर है, चेक ऑन योर कैलकुलेटर में आप वेरीफाई कर सकते हो इसका आंसर। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, दैट इज 51 और 46। एक क्वेश्चन तो आपको मैं दे देती हूँ, एक क्वेश्चन आप करोगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओगे। चलो एक क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, दैट इज कौन सा किया जाए, क्वेश्चन नंबर 51 करती हूँ, चलो क्योंकि पॉजिटिव वाले भी फिर दो हो जाएंगे ना। 51 का स्क्वायर निकालना है हमने, सिमिलरली क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें 1 का गैप आ रहा है, ठीक है ना, कि 50 में अगर मैं 1 ऐड करूं तो डेट इज 51, तो 1 का स्क्वायर करें तो डेट इज 1, मींस कि आंसर जो लास्ट वाला है वो मेरा 01 है, ठीक है। और अब इसमें 25 है, फिट जो मेरा फिट वाला नंबर है डेट इज 25, तो 25 में अगर मैं प्लस कर दूं 1 तो आंसर इज 26, यानी कि 2601 मेरा आंसर होना चाहिए। ये भी आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई आप हर कोई आंसर कर सकते हो, हर जो भी मैंने करवाया वो सब आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हो अपने कैलकुलेटर पे कि आंसर सही आ रहे हैं, इस ट्रिक से। और ये ट्रिक आप अपना सकते हो व्हाइल डूइंग द एग्जाम, जब भी आपको चाहिए कैलकुलेशन के टाइम पे, तो कैलकुलेशन के टाइम पे ऐसी ट्रिक्स आप अपना कर इस स्केयर को करना, मतलब कोई भी स्केयर आ जाए नंबर पे तो आपको करना थोड़ा सा ईजी हो जाए, क्लियर है जी। क्योंकि ये स्केयर करना क्यों हमें चाहिए, बेसिकली जब हम क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम के टाइम पे, लाइक हमें कोई कह देता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सपोज करो कि किसी चीज का आपने एरिया ही निकालना है, तो उसका आंसर उसका होता है पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला होता है, तो पाई की वैल्यू चाहे आपको वो दे दे, लेकिन आर की वैल्यू जो है वो डेट इज सपोज करो वो 45 है, 45 है, तो उसको कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप 5 वाली ट्रिक अपना के क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, कि 5 × 5 डेट इज 25, उसके बाद ये 4 वाले को आप अपना सकते हो ऐसे हम, ठीक है। तो आप 5 वाली ट्रिक को अपना के जो 5 का स्क्वायर बताया आप उसको कर सकते हो, अगर आपके सामने रेडियस की वैल्यू आ जाए 46 या 47 तो वो भी आप ये जो अभी ट्रिक करवाइए इस ट्रिक से आप कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको एरिया निकालने का जो टाइम है वो बच जाता है, उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं। तो ये तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो आपके सामने आगे और भी आएंगे, ये कोई खत्म नहीं हुआ, आगे और भी बहुत सी ऐसी ट्रिक्स है जो मैं आगे लेके आऊंगी, लेकिन अभी के लिए जो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं दैट यू हैव टू डू द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ऐसे मैं और भी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊंगी, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब।